मैडम आपकी कॉफी। मैडम कॉफी। थैंक यू, लेकिन कॉफी मैं खुद भी बना सकती हूँ। नहीं जी, मुझे मामा से डांट नहीं खानी है, क्योंकि जब तक आपकी खीर पकाई की रस्म नहीं हो जाती, किचन में आपकी एंट्री बंद। यार मेरी खीर पकाई की रस्म कब होगी अब? मतलब ऐसे बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। तो फिर खीर पकाई की रस्म के बाद जन्नत भी को छुट्टी दे देंगे है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कि मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता। तो फिर अपना टाइम पास करने के लिए, बोरियत दूर करने के लिए क्या करेंगी आप? मैं अपने स्वीट से हस्बैंड के लिए एक कप चाय तो बना ही सकती। बस एक कप वंस इन अ डे। पांच कप पीता हूं मैं। नो अम्मा, लाइक सीरियसली पांच कप पीता हूं यार, तुम्हें पता होना चाहिए। ओह गॉड, मैंने किससे शादी कर ली। अच्छा कॉफी तो पियो ना यार, मैंने बना के लाया हूं। किसका फोन है? फोन? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं हानिया बात कर रही हूँ। तुम क्यों फोन करती हो तुम मुझे? बाबा वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि शहीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही तुमसे। आइंदा कभी भी मुझे फोन मत करना। बाबा बाबा लव, क्यों हानी? बाबा को कॉल की थी शहीद का इन्फॉर्म करने के लिए, उन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी और फोन बंद कर। देखो वो पहले ही कह चुके हैं उन्होंने शहीद से सारे रिश्ते तोड़ दिए, तो फिर खुद ही समझ जाओ कि वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते उससे। बेचारा शहीद। हानिया तुम एक काम करो, शहीद को घर ले आओ, उसकी टेक केयर कर लेंगे। मगर भाई पहले शेजीन को बता देते हैं। शेजीन को बताने की क्या जरूरत है? ये हमारा घर है, जो डिसीजन लेना है वो हमें लेना है, उसकी मर्जी मालूम करने का कोई जवाब नहीं बनता है। फिर भी भाई ये ना हो कि शेजीन को कुछ गलत लगे, उसे मालूम होना चाहिए। जब वो यहाँ आ जाएगा ना उसे खुद पता चल जाएगा। ओके, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं, गलत समझती है तो समझती रहे। तुम उसे क्यों डर रही हो? देखो तुम ऑफिस जाओ और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके शहीर को यहाँ लेके आओ। ओके चलो, तुम ऑफिस ड्रॉप कर दो। चलो शहीर के बारे में मालूम है लोगों को, यानी बाबा का शक सही था। भाभी जानती थी कि शहीर कहाँ है?